हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं राजमा चावल बनाने जा रही हूँ। तो राजमा के लिए ना मैंने राजमा उबाल लिए है, क्योंकि बॉईल कर लिए है। इसके लिए मैं तड़का काट रही थी, तो मैंने प्याज काट लिया है और इसी के साथ मैं काटूंगी टमाटर। पर टमाटर मैं डालूंगी एक, क्योंकि 120 रुपए किलो टमाटर है। आज इतने महंगे टमाटर हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे बरसात का मौसम आता है, सावन का मौसम आता है, उस टाइम ना हर चीज़ महंगी हो जाती है। प्याज, टमाटर, आलू, सब्जी कुछ भी लगा लो, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो गाइज, अब ना मेरा तेल है जो यहाँ गर्म हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे। देखिए, मेरा ऑयल है जो ये गर्म हो रहा है। फिर ऑयल गर्म होने के बाद मैं डालूंगी इसमें ये अनियन, और इसके बाद ये टमाटर चॉप करूंगी जो मैंने धोकर रखा है, इसको डालूंगी। और ये है मेरे राजमा जो मैंने बॉईल किए हैं, उबाला है इसको, और ये डालूंगी तड़के में। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस, हमारा तेल गर्म हो चुका था, उसमें मैंने अब खड़ा धनिया डाल दिया है। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें प्याज जो मैंने चॉप किया। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। प्याज को भून लूंगी पहले मैं अच्छे से। हम इतने मसाले नहीं डालते हैं गाइस, क्योंकि घर का खाना होता है ना बिना मसालों के होता है, सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च होता है। ज़्यादा मसाला डालने से क्या होता है, पेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मसाले होते हैं ना वो फिर बाद में तंग करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो है ना सिंपल राजमा, सिंपल सब्जी बनती है, जिसमें कोई भी मसाला नहीं डलता, सिर्फ हल्दी, मिर्च और नमक, ये चीज़ें डालते हैं। तो अब मैं टमाटर चॉप करने जा रही हूँ। तो गाइस, भून रहा है हमारा प्याज और मैं टमाटर कर रही हूँ चॉप, यानी कि काट रही हूँ इसको, तड़के में जाएगा ये। तो गाइज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके। आप सबकी दुआओं का ही असर है कि मेरा चैनल ज़्यादा वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। और थैंक यू आप सबको, ये श्रेय आप सब ऑडियंस को जाता है, क्योंकि आप सब ऑडियंस जो है ना मेरे ब्लॉग देखते हो, मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हो, मेरे लाइव देखते हो, मेरे लाइव पे आते हो। तो इसी के लिए ना, इस बात के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अभी मैं हाथ नहीं वॉश कर लूँ टमाटर चॉपिंग के बाद। अब जो ये टमाटर है ना हमारे, ये जाएंगे प्याज के अंदर, क्योंकि प्याज हमारा भून चुका है। तो मैं प्याज डाल रही हूँ। तो गाइस, मैं डाल चुकी हूँ प्याज, और इसमें एक ना मैं ट्विस्ट दूंगी, मैं ना थोड़ा जो आम का अचार का ऑयल होता है ना वो डालती हूँ इसमें, डालने से ना टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। अब अच्छे से इसके तड़के को भून लूंगी मैं, और अब मैं इसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी डालूंगी। तो सबसे पहले मैं रेड चिली स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम खाते नहीं हैं, तो थोड़ी सी रेड चिली। और फिर डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार डालूंगी, और रंग के अनुसार कि कलर अच्छा आए। और इसके बाद मैं नमक डालने जा रही हूँ गाइस, ये भी स्वाद के अकॉर्डिंग, टेस्ट ऑफ अकॉर्डिंग। तो ये जाएगा हमारा नमक। तो गाइस, ये सब तीनों मसाले जा चुके हैं। इसके अलावा मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर में मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें खाते नहीं हैं, क्योंकि पेट खराब हो जाता है इससे। कई बार तो गाइस लूज मोशन भी लग जाते हैं, इतना ख़राब कर देते हैं गर्म मसाला। गर्म मसाला नहीं डालती मैं। अब ये भून चुका है हमारा मसाला अच्छे से, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं कैमरा उठाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो तड़का था भून चुका है अच्छे से, और इसने तेल छोड़ दिया किनारों पे, आप देख रहे हो किनारों पे ऑयल छोड़ दिया है। जब ऑयल छोड़ देना तो इसका मतलब होता है हमारा जो तड़का होता है ना वो भून चुका है। अब गाइस, इसमें मैं राजमा डालूंगी। मैंने राजमा डालने के बाद इसमें लगा दिया पानी, और ये हमारे राजमा, ये ना अच्छे से इसको बॉईल आने दूंगी मैं, ताकि ये जो इसकी तरी होती है, जो इसका पानी होता है, थोड़ा सूख जाए और ये राजमा जो है ना थोड़े गाढ़े बन जाए। तो अभी मैं इसको रखूँगी 10-15 मिनट के लिए गैस पर उबलने के लिए। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसको गैस से उतार दूंगी। तो
तो गाइस जो राजमा थे ना, ये देखिए इतने गाढ़े हो चुके हैं। और इसको चावल के साथ खाइए, आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।